गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक होंगे, लश्फिश होंगे, मज़े में होंगे। एंड मैं अभी अपनी वर्किंग स्पेस में आई हूँ, चूँकि आजकल कैपेचिनो साहब यहाँ पे होते हैं तो बस इनकी लाडियाँ और इनके कडल्स ख़त्म नहीं हो रहे। मैं जा रही हूँ जी, कहाँ मैं जा रही हूँ? पेशावर। आपको दूंगी मैं क्विक सा टूर बेटा, क्या हो गया, बात तो करने दो। सो मैं जा रही हूँ पेशावर, आपको टूर दूंगी प्लेसेस का। और बस कैपी नहीं जा रहा मेरे साथ, इसको पता लग रहा है मेरे ख्याल में कि मम्मा कहीं जाने वाली हैं। सो ही इज़ जस्ट बेटा। सो फाइनली जी, क्योंकि मुझे अभी 11 बज चुके, 11:30 हो चुके हैं, मुझे निकलना है। ऑलरेडी मैं एक बस मिस कर चुकी हूँ, लाइक 10 बजे का टाइम था, बट बहन उठी तकरीबन 9:45। सही है, वर्किंग स्पेस पे अभी तक बैग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो मेकअप की अनबॉक्सिंग की ये पड़ा हुआ है, और ये कैपी साहब है। तो मैं जैसा कि आपको बता रही थी, हाँ ये क्या है, तू बात कर ले भाई, तू कर ले, नहीं मतलब क्या। सो मैं बता रही थी आपको कि मैं एक बस मिस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। डाइवो के टिकट्स फाइनल थे और मुझे लगा कि बस सारी चीज़ें ना प्लानिंग के मुताबिक चलेंगी, लेकिन सदियों का एक खास नुकसान ये होता है कि आप नहीं उठ पाते हैं। सो ये कैपी की मस्तियाँ इसी तरह से जारी रहेंगी। सो अभी मैं जा रही हूँ एक लोकल गाड़ी से, वो भी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। तो नुकसान ये हुआ है मुझे लेट उठने का। सो मिलते हैं मेरे ख्याल में पेशावर में, ठीक है? मुझे क्योंकि इससे अभी बातचीत करनी है, इससे इजाज़त लेनी है कि मैं जाऊँ या नहीं। चूँकि मेरा वहाँ पे स्टे था, वन डे ट्रिप नहीं था, सो आई डोंट वॉन्ट इट कि मैं अपनी गाड़ी और ड्राइवर ऑक्यूपाइड करूँ सिर्फ अपने लिए। उन्हें मैं घर छोड़ के गई थी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मामला देखने होते हैं, घर पे कोई इमरजेंसी हो सकती है, और मेरे लिए तो वहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी अरेंज थी थैंक्स टू रिजवान भाई एंड अनवर भाई। साढ़ा कि ऐसी तो फ़कीर लोग हैं, लोकल सफ़र करते हैं, आए मेरे साथ चलें। उनका ये मंजर देख कर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं किस गाड़ी में जा रही हूँ। एनीवेज आई थॉट कि आप एक फिट सा म्यूज़िक प्ले करते हैं, लगाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं बातचीत ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि बातचीत कर लेने वो ज़्यादा बेहतर है। और गाड़ी में बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पे दो आंटियाँ बैठी थी जो कि मज़े मज़े की गॉसिप्स कर रही थी, बट चूंकि वो पश्तो में बोल रही थी, पश्तो मुझे आती नहीं, हाँ पश्तो नहीं आती, सीखते हैं सीखते हैं। मुझे लग रहा है क्यों ना, अल्लाह ना करे कि दोबारा लॉकडाउन हो, बट इन दिनों में इस चीज़ का यू नो फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये मैं और मेरा भाई रिक्शा राइड लेते हुए। और म्यूज़िक से याद है, बड़े मज़े मज़े के सॉन्ग्स याद आ रहे थे मुझे भी यहाँ पे लगाने के लिए, बट फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, दफ़ा मारो, फिलहाल बातचीत ही करते हैं। और ये वीडियो क्लिप मैंने जानबूझ के बनाया था, आपको अभी दिखाती हूँ क्यों। ये देखिएगा, ये जा रहे हैं हम, हाँ अभी मैं दिखाऊंगी ड्राइवर अंकल की सीट एग्जैक्टली। ये चेक करें, मास्क जो है ना लटकाया है, ये दिखाने के लिए कि कोरोना आ चुका है, लॉकडाउन है, और हमारे पास मास्क है, लगाना नहीं ऐसी मुँह तेते। और अब जिन्होंने हमें पिक करना था वो हमें पिक करने आ चुके थे, थैंक यू सो मच रिजवान भाई एंड अनवर भाई, जिन्होंने बहुत अच्छा होस्ट किया। और हम लोग बस अपनी गप्पे लगा रहे थे, मज़े मज़े की यहाँ पे जाने का प्लान हो रहा था, जाना था बहुत सारी जगहों पे, कारखानों, मार्केट, और इसके अलावा शाहरुख खान के घर। जी एग्जैक्टली। फाइनली अब मैं जा रही हूँ अंदरून पेशावर, और मैं आपको एक ऐसे बाज़ार में लेके जाने वाली हूँ जो कि पेशावर का फेमस बाज़ार है और हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से मुंतकिल होती हैं डिफरेंट इलाकों में। और उस बाज़ार का नाम है, अभी बता दूँ, बता देती हूँ, कारखानों बाज़ार, जिसे चोर बाज़ार भी कहा जाता है, आई डोंट नो, क्योंकि कहा ये जाता है अमूमन कि वो वहाँ पे जो सामान आता है वो स्मगल होकर आता है, तो इसलिए कंपेयर किया जाए तो प्राइसेस बहुत कम होती हैं। DSLR, लैपटॉप या कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, या हाँ समझ आए ये भी चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो अब मैं क्या लेने जा रही हूँ देखते हैं, मिलते हैं कारखानों में। सो खाना हम खा चुके थे ऑलरेडी, मैं बहुत थकी हुई थी ट्रैवल करके, खाना खाते हुए बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हिम्मत भी नहीं थी और फोन भी बंद था। सो नाउ पेशावर की मशहूर आइसक्रीम मैं खा रही हूँ। सदर का एरिया है ये जहाँ से ये मिली है, और ये इतना ज़बरदस्त था, लाइक मैं ये वाली आइसक्रीम लाइक वो समझ नहीं आता जब आप देखते हैं कि फूड ट्राइफल है या क्या है, बट ये आइसक्रीम है, इसको इसका फ्लेवर क्या है, मैंगो मिक्स,
सो जब भी आए पेशावर सदर में तो ये वाली आइसक्रीम जरूर ट्राई करें। और फ्रंट सीट पे बैठा मेरा भाई मुसलसल कॉल्स पे था, इसीलिए ये मेरा पोज नहीं है, और मौसम मजे का है तरफ इशारा था। और इस वक्त हो चुके हैं लाइक 4। ये सेकेंड ईयर पेशावर में और अभी मैं जा रही हूँ किस्सा खवानी बाजार देखने। आज चूंकि जुमा का दिन है तो हो सकता है कि वो वाली रौनक नज़र ना आए, बट कोशिश होगी कि मैं आपको विजिट करवा सकूँ अपने साथ साथ। जहाँ तक कल की बात है तो अच्छा दिन था ओवरऑल, लेकिन क्योंकि और बहुत सारे काम करने से ऑफिशली तो आई वॉज बिजी। और फिर कुछ न्यूज़ ऐसी चल रही थी, मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब का इंतकाल हो गया, तो दिल वैसे कुछ थोड़ा सा उदास था। क्योंकि मेरा मानना ये है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, कभी सजना भी मर जाना। तो मुझे बड़ा दिल बुरा हो रहा था मेरा, जब मैं कमेंट्स देख रही थी लाफ्टर की और मजाक बनाया जा रहा था और अजीबोगरीब बातें की जा रही थी। खैर इस पर हम बात करेंगे किसी लाइव सेशन में। सो नाश्ता किया जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। अभी मैं जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह किस्सा खवानी बाज़ार और वहाँ पे देखती हूँ जाके। और मज़े की बात यह है कि सुनने में ये आया है, सुनने में क्या बल्कि मैंने देखा भी है न्यूज़ वगैरह में कि शाहरुख खान जो है किंग ऑफ बॉलीवुड, उनका जो आबाई घर है वो यहाँ पे है और यहाँ पे अभी भी उनके कुछ रिश्तेदार लाइक कज़न और चचा मुकीम है। तो प्रोबेबली चल जा के देखते हैं कहाँ पे कौन सा एरिया है, लाइक वही कैलकुलेशन होती है ना। सो मिलते हैं वहाँ पे।